हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी की भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, इंडियन नेवी में बहुत सारे पदों पर भर्ती निकली हुई है, बहुत सारे पोस्ट पर भर्ती निकली हुई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो भर्ती है वो सिविल डिफेंस की है। इस भर्ती के लिए आपको ना तो कोई हाइट की जरूरत होगी, ना ही किसी प्रकार के चेस्ट की जरूरत होगी, और ना ही कोई आपका फिजिकल होगा। ठीक है, तो बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों, काफी सारे पदों पर भर्ती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी, और इस वीडियो में इस भर्ती से रिगार्डिंग हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं। जैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपके लिए देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये जो नोटिस है दोस्तों, जो इंडियन नेवी की तरफ से निकाला गया है, उसको मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट्स हु फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया फॉर द अंडर मेंशन पोस्ट ऑब्लिक वैकेंसीज अवेलेबल इन वेरियस यूनिट्स लोकेटेड एट कोची। ठीक है, तो ये बहुत सारे दोस्तों पोस्ट पर यहाँ पर जो है भर्ती निकली है जो कि कोची में लोकेटेड है। तो आपके लिए जो भर्ती है वो कोची में होगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो ऑल इंडिया भर्ती है, ठीक है, पूरे इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई स्टेट कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, आप इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, आप जो है इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे पदों पर भर्ती है दोस्तों, एक एक करके मैं आपको सबकी जानकारी दूंगा। ठीक है, वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि जिस पोस्ट की भर्ती के लिए आप देख रहे हैं वो पोस्ट की भर्ती यहाँ पर नीचे दी गई हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है वो मैं आपके लिए वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए एप्लीकेशन भेजनी कहाँ पर है और कैसे भेजनी है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे पोस्ट की। तो दोस्तों, आपको जो क्या है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद में भेजना कहाँ पर है। ठीक है, ये है वो एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो कि आपके लिए फिलअप करके भेजना है। ठीक है, बस छोटा सा फॉर्मेट है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपको किस पते पर भेजना है, क्योंकि ये ऑफलाइन भर्ती है दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन नहीं है। तो पता है दोस्तों आपका, द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ फॉर SOCRC हेडक्वार्टर साउदर्न नेवल कमांड कोची 682004 केरला। इस पते पर आपको भेजनी है विद इन 21 days फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट एंड 28 days इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स रेसिडेंट रिसाइडिंग इन आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो अगर आप इन स्टेट्स के रहने वाले हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन, जो ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है इसके 28 दिन के अंदर, और अगर आप इन जगह के रहने वाले नहीं हैं और किसी स्टेट के रहने वाले हैं तो आपके लिए क्या होगा, 21 डेज के अंदर भेजनी होगी। अब आपके लिए दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि 21 डे किस डेट से आपके स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो वैकेंसीज की नोटिफिकेशन है वो 4 अगस्त 2020 के लिए निकली हुई है। तो 4 अगस्त 2020 से 21 दिन तक आपको भेजनी, मतलब लास्ट डेट आपकी होगी 25 अगस्त 2020। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पोस्ट की। जल्दी जल्दी बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैंने ये पूरी वीडियो के लिए आपको बताया। तो ये है दोस्तों प्लास्टर एस के वैकेंसी है इसकी एक, और इसमें आपको अप्लाई करने के लिए मैट्रिकुलेशन की जरूरत होगी। ठीक है, मतलब आप अगर 10th पास हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी जो एज लिमिट होगी वो 18 साल से 25 साल के बीच में होनी अनिवार्य है। उसके बाद में आपके लिए अपने ट्रेड से संबंधित डिप्लोमा भी होना जरूरी है।
उसके बाद में है दोस्तों मैकेनिस्ट, तो मैकेनिस्ट के दोस्तों टोटल 5 वैकेंसीज होंगी। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसीज का सब कैटेगरी दी गई है, मतलब कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी हैं, तो इसको बताने की जरूरत नहीं समझता। ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी जानकारी डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैकेनिस्ट के ओनली 5 वैकेंसीज होंगी, इसके लिए भी आपके लिए 10th पास होना जरूरी है। उसके बाद में आपके पास में अपना एक शुड हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन दी रिस्पेक्टिव ट्रेड। ठीक है, तो आपकी जो है वो मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो डिप्लोमा है ITI किया हुआ है अगर आपने, तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इस ट्रेड से। उसके बाद में है दोस्तों ICE फिटर, तो ICE फिटर की एक वैकेंसी है और इसके लिए भी आपको 10th पास होना जरूरी है और आपके पास में डिप्लोमा होना जरूरी है। उसके बाद में है दोस्तों सिपराइट, सिपराइट की दोस्तों 7 वैकेंसी होंगी और इसके लिए भी आपको 10th पास होना जरूरी है। उसके बाद में है राइगर, राइगर की आपके पास में 6 वैकेंसीज हैं, 10th पास होना जरूरी है और 18 से 25 साल के बीच में आपकी एज होना चाहिए। उसके बाद में है दोस्तों ब्लैक स्मिथ, तो ब्लैक स्मिथ की यहाँ पर 3 वैकेंसीज हैं, 10th पास होना जरूरी है। और एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर किसी भी तरह का आपके अभी तक मैंने जो ट्रेड्स बताई हैं इनमें आपका किसी भी तरह का जो है वो फिजिकल नहीं होगा। तो केवल अगर आप 10th पास हैं और आपके पास में डिप्लोमा है, तो नीचे दी हुई एप्लीकेशन जो मैंने आपको दिखाई उसको भर के जो पता बताया था कोची का, केरला का, उसमें आपको भेज देना है। ठीक है, उसके बाद में आपको कॉल लेटर आएगा और आपके लिए इंटरव्यू के लिए और रिटर्न एग्जाम को बुलाया जाएगा। अगर आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप इस भर्ती में भर्ती हो जाएंगे। उसके बाद में है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक फिटर, तो इलेक्ट्रॉनिक फिटर की 4 वैकेंसी होंगी, 10th पास जरूरी है आपका। और नेक्स्ट आता है दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल फिटर, तो इंस्ट्रूमेंटल फिटर के लिए जो आपकी एज लिमिट होगी वो 18 साल से 25 साल होगी और आपको एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी दोस्तों मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th पास होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपके पास में जो नेक्स्ट वैकेंसी आती है वो है पेंटर की, तो पेंटर के लिए भी आपको 10th पास होना जरूरी है और आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट के साथ में जो ट्रेड का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है वो भी आपको पास में होना जरूरी है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज पेंटर की 7 हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे बेल्डर, तो बेल्डर की यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं, 10th पास, 18 से 25 एज। उसके बाद में है दोस्तों फिटर अर्मानेंट, तो फिटर अर्मानेंट की यहाँ पर 3 वैकेंसीज हैं। उसके बाद में आता है एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जिसका नाम है दोस्तों फायरमैन, लेकिन फायरमैन की वैकेंसी के लिए आपके लिए थोड़ा सा फिजिकल की जरूरत होगी। यहाँ पर थोड़ा सा आपका फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा, हाइट चेस्ट और वेट भी लिया जाएगा। तो फायरमैन की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 6 वैकेंसीज। ठीक है, एज लिमिट आपकी सेम है 18 साल से 25 साल और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है। उसके बाद में दोस्तों इसमें कुछ अलग से जो है वो फिजिकल रिक्वायरमेंट मांगी जा रही है, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देना चाहता हूँ। तो आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें दोस्तों आपके लिए सबसे पहले आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। उसके बाद में दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर हाइट शैल बी अलाउड फॉर मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब यहाँ पर क्या है आपको 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों लेकिन ये छूट उन्हीं को मिलेगी जो कि मेंबर ऑफ सी ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको जो चेस्ट होना चाहिए वो 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट एक्सपेंशन के बाद में आपको होना चाहिए 85 सेंटीमीटर। उसके बाद में दोस्तों आपका जो वेट होना चाहिए वो 50 kg मिनिमम होना चाहिए। और इंडोरेंस टेस्ट, यहाँ पर है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, तो इंडोरेंस टेस्ट में क्या होगा दोस्तों आपके, ये अगर आप फायरमैन की भर्ती देख रहे हैं तो आपको कैरिंग ए मैन फायरमैन लिफ्ट ऑफ 63.5 kg टू ए डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर्स विद इन 96 सेंटीमीटर। तो इसमें दोस्तों क्या होगा आपके लिए 63.5 kg वजन लेके 183 मीटर 96 सेकंड में कवर करना होगा। नेक्स्ट होगा आपका क्लियरिंग 2.7 मीटर्स वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट लॉन्ग जंप, आपकी 2.7 मीटर्स की लॉन्ग जंप होगी जो कि एक डिच होगा, गड्ढा होगा, उसको आपको कूदना होगा। उसके बाद में थर्ड में होगा आपका दोस्तों क्लाइंबिंग 3 मीटर्स वर्टिकल रोप,
यूजिंग हैंड एंड फीट, तो आपको अपने हाथों और पैरों की सहायता से 3 मीटर का जो है वो वर्टिकल रोप करना होगा, मतलब रस्सा करना होगा। ठीक है, ये आपका नॉर्मल सा फिजिकल है, इसमें कोई भी ज्यादा महान कार्य नहीं है, तो बहुत अच्छा फिजिकल। आप चाहें तो फायरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और है दोस्तों, यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपका जो है वो ट्रेड टेस्ट, मतलब जो ट्रेड का सर्टिफिकेट है वो नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, केवल आपके पास में 10th पास होना चाहिए और आप इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों सिविलियन मोटर ड्राइवर। तो सिविलियन मोटर ड्राइवर की 14 वैकेंसीज होंगी और एज आपकी 18 साल से 25 साल होगी। ठीक है, उसके बाद में होगी दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिकुलेशन, यानी कि आपको 10th पास होना जरूरी है। मस्ट पोसेस ए ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स। तो आपके पास में एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल और मोटरसाइकिल्स के लिए, मतलब LMB और HMB आपके पास में जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि आप नाम से ही देख रहे हैं सिविलियन मोटर ड्राइवर है, तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन हैवी मोटर व्हीकल्स ड्राइविंग। तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 1 साल पुराना होना चाहिए और आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल का, कि आपने कोई भी हैवी व्हीकल 1 साल पहले तक आपने चलाया है। उसके बाद में आता है दोस्तों बाल सहायक नाउ MTS। तो बाल सहायक की 1 भर्ती होगी और यहाँ पर 18 से 40 साल आपकी जो है वो एज लिमिट होगी। उसके बाद में आपकी एजुकेशन 10th पास होना जरूरी है और बाल सहायिका में भर्ती देखने के लिए आपके पास में हिंदी और रीजनल लैंग्वेज होना जरूरी है, मतलब रीजनल लैंग्वेज और हिंदी आपके लिए आना जरूरी है। पढ़ना और समझना बोलना सब कुछ ये जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में है दोस्तों बीरर की 3 वैकेंसीज है, 18 से 25 साल तक आपकी एज है। उसके बाद में एक और अच्छी जॉब आती है दोस्तों सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट। तो सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट का दोस्तों जो काम होता है वो होता है जैसे नेवी आर्मी एयरफोर्स, ये जो फोर्सेस होती हैं इनमें क्या होता है सिनेमा हॉल होते हैं इनके खुद के, तो उसको ऑपरेट करने के लिए सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो इसकी दोस्तों टोटल 1 वैकेंसी है और एज 18 से 25 साल आपके ली जाएगी। उसके बाद में आपके पास में डिप्लोमा भी होना चाहिए, मस्ट बी इन पोजिशन ऑफ लाइसेंस प्रिस्क्राइब्ड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्सेट्रा। आपके पास में जो क्या है एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है, लाइसेंस होना जरूरी है इसका। उसके बाद में 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन दी एप्रोप्रिएट फील्ड ऑफ ट्रेड, 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उसके बाद में आता है बगलर इंस्ट्रक्टर। तो बगलर की जो दोस्तों वैकेंसीज हैं वो 1 वैकेंसी है, एज 18 से 25 साल है। उसके बाद में आपके पास में 4 साल का बगलर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और म्यूजिक फ्रॉम स्टाफ नेशन, नॉलेज ऑफ म्यूजिक फ्रॉम स्टाफ नोटेशन। ठीक है, बस म्यूजिक की नॉलेज होनी जरूरी है। लास्ट भर्ती है दोस्तों 19 ट्रेड पे यहाँ पर भर्ती है, आप ध्यान देना 19 ट्रेड की, 18 बता चुका हूँ और ये लास्ट ट्रेड है टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड सेकेंड। तो टेलीफोन ऑपरेटर की 2 वैकेंसीज है यहाँ पर, 18 से 25 साल तक आपकी एज होगी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों प्रोफेशनसी इन हैंडलिंग ऑफ PBX बोर्ड। PBX बोर्ड क्या होता है दोस्तों, ये टेलीफोन के एक एक्सचेंज टाइप का होता है, इसके लिए आपको हैंडलिंग करना आना जरूरी है। उसके बाद में फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश, तो आपके लिए इंग्लिश भी स्पोक होना जरूरी है, मतलब आपको इंग्लिश बोलनी आती है। ठीक है, उसके बाद में आपने देखा होगा ये जहां पर भी एज लिमिट दिया हुआ है यहाँ पर सब जगह हैज दिया हुआ है, तो इसका मतलब दोस्तों क्या है वो मैं आपको बता दूं। एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इज एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो जो आपकी एज लिमिट दी गई है 18 से 25 या फिर 18 से 40 साल, वो क्या है दोस्तों लास्ट डेट आपकी जो एप्लीकेशन रिसीप्ट होगी नेवी के लिए उस दिन आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में होनी जरूरी है। उसके बाद में एप्लीकेशन का A4 साइज पेपर टाइप दिया गया है, उसके लिए इंग्लिश और हिंदी में आपको टाइप करके भेजना है। उसके बाद में टुगेदर विद कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर और सेल्फ अटेस्टेड। तो आपके लिए जो आपके सर्टिफिकेट्स होंगे उनको भी भेजना होगा यहाँ पर, जो वो दोस्तों जो सर्टिफिकेट हैं आपके वो अटेस्टेड होने चाहिए गजेटेड ऑफिसर से और सेल्फ अटेस्टेड भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या है 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स होना चाहिए, नेम ऑफ कैंडिडेट शुड बी रिटन ऑन द बैक साइड ऑफ फोटो। 2 एडिशनल फोटोज आपको भेजना है, मतलब
फोटो में लगाना है, उसके बाद में दो फोटो आपको प्रिंट करके और भेजना है जिन पे आपके पीछे सिग्नेचर होंगे। ठीक है, फोटो के पीछे सिग्नेचर करना मत भूलना, नहीं तो आपका क्या है फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपको इस पते पर दोस्तों अपना फॉर्म भर के भेजना है 25 अगस्त 2020 तक। और जो कैंडिडेट्स आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीजन और जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं, उनके लिए 28 दिन, मतलब 4 अगस्त से 28 दिन आगे तक तो उनके लिए अपने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म इस पते पर भेज देना है। उसके बाद में आपको ये लिखना जरूरी है लिफाफे के ऊपर, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एंड कैटेगरी, आपके लिए लिफाफे के ऊपर ये जरूर लिखना है। यहाँ पर दोस्तों जो एज रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट रूल आपको मिलेगी। फॉर एससी एसटी के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन होगी, उसके बाद में ओबीसी के लिए 3 साल, ठीक है। इसी तरह से जिसको भी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर दोस्तों एज रिलैक्सेशन लागू है उनके लिए सबको मिल रही है, और ये काफी सारे पॉइंट्स हैं, इनको मैं आपके लिए बताने की जरूरत नहीं समझता क्योंकि नॉर्मल पॉइंट्स हैं। इस एप्लीकेशन, ये जो आपका नोटिफिकेशन है इसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर दोस्तों बताना जरूरी है। 15 नंबर पर आप देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर, तो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा बाय रिटन टेस्ट, सिलेबस विल बी इंडिकेटेड इन द कॉल लेटर। तो आपका ओनली रिटन टेस्ट से होगा, प्रैक्टिकल फिजिकल स्किल टेस्ट वेरेवर एप्लीकेबल, तो जिस ट्रेड की आप भर्ती देखेंगे उस ट्रेड का आपका स्किल टेस्ट होगा और उससे पहले आपका होगा रिटन टेस्ट। जो सिलेबस होगा वो आपके जब एडमिट कार्ड आएगा उस पर आपको बता दिया जाएगा कि आपका क्या सिलेबस होगा इस भर्ती के लिए। तो दोस्तों एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो ये है, आप यहाँ से इसको प्रिंट निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।